हेलो दोस्तों, ये वो प्रश्न है जिनको काफ़ी छात्रों को इन प्रश्नों में दिक्कत आई है। तो जानते हैं क्या क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। रीजनिंग की क्वेश्चन है और 6 प्रश्न लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले तो आपको खुद को सोचना है, वीडियो पॉज करके, कि इनमें क्या आएगा। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या बताना है आपको। देखो, 675, 135, 405, 81, 243। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इस जस्ट इसके आगे वाला, ये आपको बताना है। बताइए, तो वीडियो पॉज करके सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करना। बता देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 5 का भाग दिया, 5 का भाग दिया तो यहाँ आ गया 135। ठीक है, 5 का इसमें भाग दिया, 135 आ गया। फिर क्या किया, 135 को 3 से गुणा किया। एक बार भाग आ रहा है, एक बार गुणा हो रही है। यहाँ क्या, यहाँ भाग हो रहा है, फिर यहाँ गुणा हो रही है। फिर 405 में भी 5 का भाग दिया तो 81 आया। फिर 81 को 3 से गुणा किया, 243 आया। अब 243 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, इसका 5 का भाग दिया, ठीक है, इसका 5 का भाग दिया, क्या करना है, आगे क्या आ गया, ये आ गया, है ना। अब इसको क्या करना है, इसको 3 से गुणा की तो ये आ गया, इसमें 5 का भाग दिया तो 81 आ गया, 81 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया। अब 243 को 5 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया 4 टाइम्स, और यह आ गया 8.6 आ गया, 48.6 आ गया। ये आ गया ना, 5 के बाद में 20 गया, 4 बार पीछे 4, 8 बार 3, 6, 48.6 ये आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे में इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 4 से 12 हो रहा है, उसके बाद में 30 हो रहा है, उसके बाद में 60 हो रहा है, उसके बाद में 90 हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 4 × 3 = 12, है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद में 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 × 2.5 मतलब 12, आधा आधा सारों में कम हो रहा है, पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद में 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, 1.5 से हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 0.55 कम होते जा रहा है ना, 3 से, 2.5 से, 2 से, 1.5 से, 1 से, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो बताऊँ कैसे, 4 को 3 से किया 12, 12 को 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करना है, यहाँ 2 हो गया, है ना, और यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, 60 × 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से हो जाए, यानी आधा आधा सारों में कम हो रहा है, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ चल रहा है। तो यहाँ हो गया कितनी बार, हो गया 1 × 0 = 1, 15 × 6 = 90 हो गया। अब 1.5 आ गया, और 90 से आगे क्या आ जाएगा, 1, 90 × क्या, यहाँ 60 × 1.5 हुआ है तो 90 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 90, है ना। तो यहाँ 1.5 से हो गया, 1.5 से आगे 0.5 कम हुआ तो क्या आ गया, 90 आ गया, तो यहाँ 90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये तीसरा। इसमें तीसरे में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, तीसरे में करना क्या है, आपको इसमें भिन्न बताना है, कौन सा भिन्न है इन चारों से। चार ऑप्शन दे रखा है, A, B, C, D, इन चारों में से आपको बताना है भिन्न कौन सा है। 45, 55, 38, 72, 29, 71, 49, 51 इनमें से भिन्न कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 45 और 55 100 हो रहे हैं, ठीक है, 38 और 72 100 हो रहे हैं, ठीक है, और 29 और 71 कितना हो रहा है, 29 और 71 ये भी क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, 29 और 71 क्या हो रहा है, ये भी क्या, 100 हो रहा है। तो यहाँ फिर ये तो चारों सेम ही हो गया, 49 और 51 ये भी 100 हो रहा है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें यहाँ कुछ गड़बड़ दे दी, ये चारों तो क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, 45, 55, 100, 38, 72, 100 हो रहा है, ये 100 थोड़ी हो रहा है, ये देखो 38 और 72 को ऐड किया, 38, 72 को, तो 100 थोड़ी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 110 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है इसमें सारों का, इसको छोड़ के बाकी तीनों का योग क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। शायद छात्र भी यही चकमा खाए हुए, 72 और 28 100 होता है, उनके माइंड में आ गया होगा अभी, जैसे मेरा है 72 और 38 100, शायद इसी वजह से, बाकी सरल ही था ये, इसमें इतना कुछ नहीं था। ये वो है, कुछ छात्रों ने कमेंट किया है मेरे को, और कुछ
उसमें से हार्ड निकाले हुए थे दिल्ली पुलिस हैंड कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम के लिए, कुछ छात्रों ने शेयर किया था मेरे को, तो इसमें इतना कुछ नहीं था, शायद छात्रों को यहाँ कन्फ्यूज़ हुए थे। अब चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ इनमें से क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से, ए बी सी डी, यहाँ पर क्या आएगा आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है इसका, दे सोचो आप। चार का स्क्वायर 16, दो का स्क्वायर 4, 20 हो गया ना यहाँ, पाँच का स्क्वायर 25, तीन का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34 इसका राइट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 34। ये आप करके दिखा दो, ये क्वेश्चन क्या है, ये मानता हूँ मैं ये हार्ड क्वेश्चन है, ये आप करके दिखा दो, इनमें से कौन सा भिन्न है, ये इनमें से कौन सा भिन्न है, ये मानता हूँ इसमें बहुत तगड़ा लॉजिक लग रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, तीनों का, माफ़ कीजिएगा, क्यूब, एक का क्यूब, दो का क्यूब, जीरो का क्यूब, तीनों के क्यूब को ऐड करते हैं तो 9 आता है। एक का क्यूब कितना होता है 1, दो का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 1 9, और जीरो का क्यूब 0 होता है, 9 हो गया। तीन का क्यूब 27, दो का क्यूब 8, 27 और 8 कितना हो गया 27, 8 कितना हो गया 35, 35 और 135, और पाँच का क्यूब 125, 160 हो गया, ठीक है। दोनों ही दोनों लॉजिक ठीक बैठ रहा है यहाँ, दो का क्यूब 8 और 8 का क्यूब 512, 512 और 8 520, ये भी ठीक बैठ रहा है लॉजिक। कुल मिला के इन सारों में तो यही आंसर होगा, तीन का क्यूब 27, एक का क्यूब 27 और एक 28, 28 और 9 का क्यूब 729 होता है, तो 91 ये गलत हो गया। कुल मिला के रीजनिंग के जितना ही है ना उसमें आपको लॉजिक ये चीज़ लग रहा है, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, बस। अब यहाँ ये देखिए इसमें क्या है, जल्दी से आप ये देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अब देखो इसमें क्या लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस 18, 18 प्लस का 18, 16, ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला मैं हटा रहा हूँ, ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें लग रहा क्या है, 12 का स्क्वायर हो रहा है 144, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को फिर 2 से गुणा करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं फिर इसका स्क्वायर करके 2 से गुणा करते हैं, वो इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 144 में से 18 गया, 18 इंटू 8, 18 इंटू 7 हो गया 126, तो ये हो गया 126 इसका। इसी तरह 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2, 200 माइनस कर दिया इसमें से, यानी इसका स्क्वायर करके 2 से गुणा करके माइनस कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो लास्ट में क्या कर देंगे हम, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 कर दिया, फिर 9 का इसमें से माइनस कर देंगे, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया, 81 इंटू 2 कितना हो गया 162 हो गया ना, है ना 162, 144 में से 162 गए पीछे कितना आ रहा, तो ये रहा 16, 17, 18, यानी माइनस का 18 रह गया ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया, ठीक है। तो 10 से 6, 16, 17, 18, 162 हो गया, माइनस का 18 हो जाएगा, 162 में से 144 गया, 144 माइनस 162 गया, क्या रह गया 18 रह गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।